नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एस्टेट 2019 सॉल्यूशन। मैं वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो काफ़ी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन की वीडियो मैं बना चुका हूँ। पिछली वीडियो को आप सुन लीजिए जिसने नहीं सुना है। तो आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में, जो कि एस्टेट में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सुनने से पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि आपको वन बाय वन नोटिफिकेशन आती रहे। तो पहला क्वेश्चन है जो कि HTML से पूछा गया है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, HTML में ये कमांड दी हुई है और इसके अंदर जो कमांड में मेन जो यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया हुआ है मीटर कमांड। तो मीटर कमांड जो यूज़ होती है वो बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, हम थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा मीटर कमांड में कैसे काम करते हैं हम। मीटर यहाँ पर जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है जी, वैल्यू दी हुई है 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 out of 8, ठीक है जी, और इसको क्लोज कर दिया मीटर को। उसके बाद यहाँ पर जो 2 out of 8 में हमें जो लिखना है, यू कैन से मैसेज देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा यूजेस, ठीक है जी, और यहाँ पर HTML। तो ये मैंने एक अलग से एग्जांपल आपको शो किया है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब इसकी आउटपुट आप देखोगे तो आउटपुट में यहाँ पर लिखा आएगा डाटा, आउटपुट में यहाँ पर लिखा आएगा आपका डाटा यूजेस, ठीक है, ये मैसेज एज इट इज। ध्यान रखना मीटर के अंदर ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं हमारे, मीटर का ओपनिंग टैग ये है और क्लोजिंग टैग ये है। इससे पहले यहाँ पर मैसेज जो प्रिंट कराना है वो मीटर से पहले ही लिखा हुआ है डाटा यूजेज, वो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2 out of 8, मतलब यहाँ पर ये बना आएगा और ये जब आप एग्जीक्यूट करोगे, वैल्यू आपने दी हुई है यहाँ पर 2, और एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मीन इक्वल टू 0 और मैक्स इक्वल टू 10, मतलब जो वैल्यू है आपकी वो 0 से 10 के बीच में लाई कर रही है ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। और आपको क्या फिल करना है यहाँ पर 8 की, इसको 8 ले लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए 8, क्योंकि यहाँ 8 लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, मतलब 0 से 8 के बीच में यहाँ पर क्या वैल्यू फिल होनी चाहिए। मीटर क्या करता है, आपका वैल्यू को फिल कर देता है, मतलब इतनी वैल्यू आपकी फिल हो जाए, ये आपका फिल्ड आ जाएगा। मतलब जैसे आपको कई बार आप देखते होंगे 50% फिल आना चाहिए, 75% फिल आना चाहिए, 60% फिल आना चाहिए, तो वो एरिया आपका फिल आ जाएगा। मतलब 0 से 8 ये वैल्यू ली है मैंने, इस वैल्यू के अंदर जितना भी आपने वैल्यू फिल करनी है, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 वैल्यू फिल हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 4 लिख दिया आउट ऑफ 8, 8 का 4 जो है वो 50%, मतलब हाफ पोर्शन आपका फिल्ड दिखाएगा और हाफ पोर्शन आपका अनफिल्ड दिखेगा। तो दैट इज द मेन यूज ऑफ द मीटर कमांड इन द HTML। तो यहाँ पर आप देखिए आपको दिया हुआ है मीटर से पहले क्या लिखा हुआ है, टास्क कंप्लीशन स्टेटस, ठीक है, तो टास्क कंप्लीशन स्टेटस कोलन, ये वैल्यू, ये जो मैसेज है वो एज इट इज आपका प्रिंट होगा। दूसरा है मीटर के अंदर जो चीज लिखी हुई है 80%, मतलब कहने का ये है मीटर के अंदर जो स्क्रॉल होगा उसमें 80% आपका फील्ड दिखाएगा, ठीक है, मगर ये चीज़ कभी भी प्रिंट नहीं होगी, 80% कंप्लीटेड ये मैसेज में प्रिंट नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो पोर्शन है वो 80% फील्ड होगा, जैसे कि आप यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद है, अब वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है चूज द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। पहला चीज़ टेक्स्ट टास्क कंप्लीशन स्टेटस कॉलन इज डिस्प्लेड, ये मैंने अभी आपको बताया मीटर से पहले लिखा हुआ है, तो ये चीज़ करेक्ट है, ये आपका करेक्ट, यू कैन से ट्रू है। सेकेंड टेक्स्ट 80% कंप्लीटेड, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस वन इज नॉट डिस्प्लेड, बिल्कुल मैं सही बात है, ये भी आपका मैसेज की फॉर्म में प्रिंट नहीं होगा, इसका मीनिंग है कि 80% ये फील्ड दिखाएगा। थर्ड लिखा हुआ है ग्राफिकल गोज 80% फिल्ड विद कलर इज डिस्प्लेड, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, यही मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग है कि 80% ये कलर से
फिल होके आएगा। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, इसी तरह से ग्रीन कलर, कुछ भी कलर आपका फिल्ड होके आएगा, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये बिल्कुल गलत है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये तीनों आपके गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि जनरली क्वेश्चन आता ही आता है, SQL कमांड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर पूछा हुआ है, ऐसी कौन सी कमांड है जो कि हम मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू, ध्यान रखना एट्रीब्यूट की वैल्यू ऑफ वन और मोर सिलेक्टेड टपल। टपल का मतलब होता है रो, रो का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू। ये कह रहा है कि आप एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो एक या एक से ज्यादा, तो उसके लिए कौन सी कमांड आप यूज करते हो। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मान लीजिए एक डाटाबेस आपने लिया, तो उस डाटाबेस में तीन एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है नेम, रोल नंबर और क्लास, ठीक है जी। नेम है ए बी सी फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर है 1, 2, 3 और क्लास है मान लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई क्लास है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसी कौन सा कमांड है जो कि वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है जो वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं अपडेट कमांड, ठीक है जी। वैल्यू को चेंज करने के लिए अपडेट कमांड यूज करते हैं, और अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अपडेट का मतलब क्या होता है। अपडेट का मतलब होता है कि जब कभी भी आपको वैल्यू को चेंज करना हो, यू कैन से अपडेट आप यूज करते हो, ठीक है। तो यहां पर कैसे करेंगे हम, सिंटेक्स मैं लिख रहा हूं यहां पर अपडेट, यू कैन से दिस वन अपडेट, ठीक है। टेबल नेम, टेबल नेम फॉर एग्जांपल यहां पर टेबल नेम है आपकी, ये टेबल है स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है जी। अपडेट स्टूडेंट, यहां पर सिंटेक्स है ये, बेसिकली आपको याद नहीं करना, बस मैं आपको मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। सेट, आपको क्या अपडेट करना है, जैसे कि मेरे को अपडेट करना है, अपडेट करना है नेम जो है, नेम डी हो जाए, रोल नंबर जो है इसका, रोल नंबर में भी अपडेट चाहता हूँ, तो रोल नंबर मान लीजिए 4 हो जाए, ठीक है जी। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आप चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जहाँ पर वेयर, वेयर के अंदर कंडीशन आप दे दोगे वेयर क्लास इक्वल टू एक्स, जहाँ पर क्लास एक्स है उसका जो नेम है वो पहले तो एक्स को सर्च करेगा, ये एक्स मिल गया इसको, जहाँ पर नेम, नेम जो भी है उसको क्या चेंज कर देगा ये डी से, और रोल नंबर जो है वो क्या कर देगा 4। तो आपकी ये अपडेट होके आ जाएगी, मतलब आपने क्या किया, रो के अंदर चेंज किया, मतलब टप्पल के अंदर चेंज किया, ठीक है जी। आप एक वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो सिलेक्टेड टप्पल को, और दो को भी चेंज कर सकते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपडेट। अल्टर कमांड क्या करता है, अल्टर कमांड करता है किसी ना किसी एट्रीब्यूट को अगर आपको ऐड करना है तो यूज करते हो आप अल्टर टेबल, टेबल का नाम, जैसे कि यहाँ पर टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है जी, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और यहाँ पर आप ऐड नाम से, ऐड विद द हेल्प ऑफ ऐड, कोई भी टेबल है मान लीजिए ये नेम, रोल नंबर, क्लास है, तो इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो एड्रेस, एड्रेस लिख दोगे यहाँ पर, और एड्रेस का डाटा टाइप क्या होगी, मान के चलिए करेक्टर, और इसका साइज कितना होगा फॉर एग्जांपल 100। तो ये होती है आपकी अल्टर कमांड, मतलब आपको कोई ना कोई कॉलम को ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, कॉलम को ऐड करना है तो अल्टर कमांड यूज करते हो। इंसर्ट कमांड, आप रो को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हो, मॉडिफाई करने के लिए यूज नहीं करते, कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करना है। मॉडिफाई क्या यूज करते हैं, मॉडिफाई भी अल्टर के साथ यूज होता है, कैसे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारी स्टूडेंट, उसके बाद यहां पर लिख देते हैं हम मॉडिफाई। अब मॉडिफाई क्या करता है, मॉडिफाई जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसका डाटा साइज को चेंज करना है, ध्यान रखना डाटा साइज, डाटा टाइप के साइज को चेंज करना है। जैसे कि यहां पर एड्रेस मैंने दिया करेक्टर 100, तो एड्रेस मेरे को क्या करना है, करेक्टर इसका जो साइज है वो 100 है, इसको मेरे को 150 करना है, तो ये चीज अपडेट हो जाएगी, मतलब मॉडिफाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो मॉडिफाई किस लिए यूज करते हैं हम, ये दैट इज नॉट ए कमांड, दैट इज ए
यू कैन से एक्शन दैट विल बी परफॉर्म इन द कमांड. ठीक है, ऑल्टर के साथ यूज होता है मॉडिफाई, और ये किस लिए यूज होता है, साइज को मॉडिफाई करने के लिए. किसके साइज को, डाटा टाइप को. न्यू डाटा टाइप अगर आपको देनी है तो वो यूज करते हो आप मॉडिफाई. तो मॉडिफाई भी आपका करेक्ट नहीं है, इंसर्ट भी करेक्ट नहीं है, और अल्टर भी करेक्ट नहीं है. तो राइट आंसर है इसका अपडेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन में ये डा से रिलेटेड है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं एस्टेट में, मगर आजकल जो है स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता जा रहा है एस्टेट का, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो यू शुड प्रिपेयर फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ, टी ऑफ एन दिया हुआ है. शॉर्टकट वे में मैं आपको समझाऊंगा, ये क्वेश्चन है बड़ा लेंदी, मगर आपको मैं शॉर्टकट से ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. तो यहाँ पर एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो से स्टार्ट होगी. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ पर गिवन कंडीशन दी हुई है, टी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, फाइव. तो टी ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर फाइव. अब देखिए मैं टी ऑफ वन की वैल्यू निकालूंगा, क्यों, क्योंकि एन की, टी ऑफ जीरो की वैल्यू तो गिवन है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन. तो जीरो की वैल्यू ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा वन. तो यहाँ पर एन की वैल्यू मैंने वन रखी, यहाँ एन था तो यहाँ क्या था, एन माइनस वन. अगर यहाँ वन है तो यहाँ पर वन माइनस वन इज जीरो प्लस टू, और टी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, फाइव. तो फाइव प्लस टू इज सेवन. तो टी ऑफ वन की वैल्यू आ गई यहाँ पर सेवन. इसी तरह से एक दो वैल्यू और निकाल लो जो कि आपको समझ में आ जाएगा. टी ऑफ टू, टी ऑफ टू ध्यान रखना, हमेशा जो भी चीज आपको पुट करनी है वो इक्वेशन के अंदर पुट करनी है. तो n था तो n माइनस वन, टू है तो n माइनस वन इज टू माइनस वन इज वन प्लस टू. ध्यान रखना ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना आपको कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ही रहेगा. टी ओ वन की वैल्यू हमने देखी है अभी सेवन आई है, तो सेवन प्लस टू दैट इज नाइन. तो टी ऑफ टू की वैल्यू आ जाएगी आपकी नाइन. क्लियर है ये चीज. तो इस टाइप से हमें वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया. अब आप एक चीज देख रहे हो, सिमिलरिटी क्या आ रही है, एक सीरीज बन रही है, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन, मतलब टू टू का डिफरेंस आ रहा है. तो आप कहने का मतलब है इन चारों में से आप वैल्यू पुट करो, टी ऑफ जीरो की वैल्यू, टी ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस फाइव आएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो भी माइनस फाइव आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस थ्री आएगा. तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको चारों ऑप्शन इस टाइप से दिए है, टी ऑफ जीरो से ही काम चल गया आपका. मगर मैंने आपको इसलिए समझाया ये वाला मेथड कि क्या पता आपको ऑप्शन इस टाइप से दो ऑप्शन मैच कर जाए इसके लिए, तो फिर आपको ये मेथड काम आएगा. ठीक है जी. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वन भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, और फोर्थ भी इनकरेक्ट है. तो आप जीरो वैल्यू जब पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये फाइव आ जाएगा. तो टी ऑफ जीरो की वैल्यू फाइव कौन कौन सी इक्वेशन दे रही है, ये वाली इक्वेशन. ठीक है जी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड. आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन वैल्यू पुट करो इसकी. तो टी ऑफ वन यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो टू इंटू वन दैट इज टू प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है फाइव. तो क्या वैल्यू आ गई सेवन, और यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है सेवन. तो इस टाइप से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये डाटा स्ट्रक्चर में आप डा भी सोच सकते हो, ये डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हो सकता है. तीनों कंसेप्ट में ये काम आएगा, तीनों में ये यूज हो रहा है. इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम ग्राफ. ठीक है. और ग्राफ के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कंडीशन दी हुई है कि ना तो इसमें सेल्फ लूप है, और इसके अंदर दूसरी चीज दी हुई है ना ही इसमें मोर देन वन एज है बिटवीन एनी पेयर ऑफ द वर्टेक्स. इसका मतलब क्या है एनी पेयर ऑफ द वर्टेक्स, इसका मतलब है कि मान लीजिए दो वर्टेक्स है यू और वी, इन दोनों के बीच में एक ही एज है, दो एज नहीं है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल एज नहीं है. तो एक कंसेप्ट होता है सिंपल ग्राफ. सिंपल ग्राफ क्या कहता है, सिंपल ग्राफ कहता है आपका जिस, सिंपल ग्राफ का मतलब यही होता है, सिंपल नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर ना तो सेल्फ लूप हो, ठीक है, नो सेल्फ लूप और नो पैरेलल एज. अगर दोनों चीज नहीं है तो उस ग्राफ को बोलते हैं हम, मतलब ग्राफ तो ग्राफ ही होता है मगर उसका एक टेक्निकल टर्म बना दी इसने, सिंपल ग्राफ बोलेंगे. ठीक है जी. तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल ग्राफ में एक प्रॉपर्टी होती है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, अगर n वर्टेक्स है तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस अगर निकालनी है
किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n into n minus 1 divide by 2 edges होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि उसमें कंडीशन ये दोनों की दोनों फुलफिल करेगी, ठीक है जी। तो n यहां पर दिया हुआ है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है 8 वर्टेक्स है, ठीक है जी, 8 वर्टेक्स है, और यहां पर पूछा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, तो सिंपल सी वैल्यू, n की वैल्यू 8 दी हुई है, वैल्यू को पुट कर दो, 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 28, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया, सेकंड भी इनकरेक्ट और फोर्थ भी इनकरेक्ट, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स में पूछा हुआ है, कौन सा ऐसा WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, WLAN का मतलब होता है वायरलेस LAN, W का मतलब है वायरलेस और LAN का मतलब तो आपको पता ही होगा, दैट इज द लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि कौन सा WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, WLAN वायरलेस LAN तो सारे के सारे हैं, ये IEEE 802.11 भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, मगर इसमें जो मेन पॉइंट छुपा हुआ है वो है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कौन सा होता है, तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आई 802.11, ये एक फैमिली है जो कि वायरलेस की फैमिली है, 802.11 वाली, ये वायरलेस वाईफाई को रिप्रेजेंट करता है, ये चारों के चारों, ठीक है। अब उसमें एक पर्टिकुलर इसने मेंशन कर दिया कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए कौन सी स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई वाला, मतलब दिस वन, ठीक है, लास्ट में अगर आई लिखा है तो वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। अब बी किस लिए यूज़ करते हैं, हम बी यूज़ करते हैं जब कभी भी हमें एनहांसमेंट करनी है, कौन से साइज़ की, इस तरह के इसमें साइज लिखा होता है 5.5 Mbit पर सेकंड या 11 Mbit पर सेकंड, अगर ये वाला साइज यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 802.11b। 802.11g किस लिए यूज़ करते हैं, हम जी यूज़ करते हैं जब कभी हमें थोड़ा सा साइज बढ़ाना है, तो 54 Mbit पर सेकंड या 2.4 GHz स्टैंडर्ड, इसके अंदर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस वन। तो यहाँ पर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए पूछा हुआ है तो वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा SQL कमांड से डाटाबेस से सीरीज मैंने बनाई हुई है, अगर आप उसमें देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि कौन सी SQL कमांड इसको कंप्लीट करती है, यहाँ पर हमें ऑप्शन भरना है कंडीशन के अंदर, इसमें कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एड्रेस कंटेन्स इंडिया, एड्रेस कंटेन इंडिया, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब कभी भी आपको सर्च करना हो इस टाइप से तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, लाइक के साथ हम यूज़ करते हैं, लाइक के साथ हम या तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, पहला पार्ट लाइक के साथ सिंगल अंडरस्कोर, और एक होता है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है जीरो या मोर करेक्टर को, जीरो या मोर करेक्टर को अगर आपको मैच कराना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो परसेंटेज सिंबल, और सिंगल अंडरस्कोर का मतलब होता है ओनली एग्जैक्टली वन करेक्टर, ये अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं हम, एक अंडरस्कोर लगाया हुआ तो वन करेक्टर, टू अंडरस्कोर है तो टू करेक्टर, थ्री अंडरस्कोर है तो थ्री करेक्टर, मगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ऐसे एम्प्लॉय को आपको आपके एम्प्लॉय कोड फाइंड आउट करना है उन एम्प्लॉय का जिनका एड्रेस के अंदर इंडिया आया हुआ है, ठीक है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं बेसिकली। अब इंडिया तो कुछ बंदे तो ऐसे लिखेंगे जैसे कि आप देखते हो 24 ABC इंडिया, ठीक है, अब कुछ बंदे ऐसे लिखेंगे इंडिया पहले लिख देंगे लास्ट में ABC 24, या कुछ बंदे 24 को सेंटर में लिख देंगे। अब हमें नहीं बताया इंडिया उसने पहले लिखा हुआ है, सेंटर में लिखा हुआ है, मिड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है जहां भी उसने कहीं पर भी अगर वर्ड लिखा हुआ है इंडिया, तो इसका मतलब है वो इंडिया से बिलोंग करता हुआ। तो
अब हमें तो नहीं पता कि वो उसके आगे कुछ है पीछे कुछ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी परसेंटेज लगा देंगे और यहाँ भी परसेंटेज लगा देंगे। इससे होगा क्या कि परसेंटेज का मतलब है जीरो और मोर करेक्टर, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी, परसेंटेज का मतलब है एनीथिंग, ठीक है। जहाँ भी इंडिया फैच करेगा वो उसको रिजल्ट में दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ सिंगल और सिंगल लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर एड्रेस के इक्वल में ये लिखा हुआ है, कभी भी ये इनकरेक्ट क्वेरी है, ये कभी भी नहीं होता है। और एज जो है वो रीनेम के लिए यूज़ करते हैं हम, एज जो यूज़ करते हैं वो रीनेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आपकी इनकरेक्ट क्वेरी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दिस वन, लाइक के साथ हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। और इंडिया के पहले भी परसेंटेज है और इंडिया के बाद भी परसेंटेज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, क्लियर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा C++ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऐसा हमारा फीचर है जिसके अंदर C++ जो है वो सपोर्ट करता है, सपोर्टेड इन C++। ओहो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट सपोर्टेड इन C++, तो C++ में कौन सा सपोर्ट नहीं करता। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कई बार गलती हो जाती है, हम सपोर्ट सोच लेते हैं और आंसर गलत लिखाते हैं आते हुए भी। तो देखिए इनहेरिटेंस, तो ऑब्वियसली ये हमारा फीचर होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, डायनेमिक बाइंडिंग भी होता है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो रिफ्लेक्शन जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो C++ इसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 128, ये भी हमारा C++ में क्वेश्चन है, या C भी आप बोल सकते हो, मगर यहाँ C++ इसलिए मैं बोल रहे हैं क्योंकि C आउट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मगर वर्किंग जो है वो सी की ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि लूप से रिलेटेड है, वाइल लूप दिया हुआ है। अब देखिए वाइल लूप के अंदर ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, वाइल के अंदर क्या होता है, वाइल के अंदर कंडीशन जो है यहाँ पर लिखी होती है हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो ही यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वाइल के अंदर इनसाइड पार्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है वो 5 दी हुई है, तो मैं आपको बता दूँ जब कभी भी नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है किसी भी कंडीशन में जहाँ पर चेक होता है और वो नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो हमेशा बिहेव लाइक ए ट्रू, और जीरो वैल्यू हमेशा किस तरह से बिहेव करेगी, फॉल्स कंडीशन। तो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू 5 जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है और हमेशा ये नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमने कंडीशन नहीं लगाई, सिंपल वैल्यू को पास कर दिया, तो इसका मतलब है ये नॉन जीरो वैल्यू ही ऑलवेज रहेगी। तो ये हेलो जो है इसने कहा कि हेलो विल बी डिस्प्लेड इन हाउ मेनी टाइम्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा ट्रू रहेगा तो ये चलता रहेगा, लूपिंग चलती रहेगी, तो इन्फाइनेट टाइम तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये 105 ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर पूछा हुआ है विंडोज से रिलेटेड है, वी गो टू विच ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम अवर कंप्यूटर। तो कभी आपने अनइंस्टॉल किया होगा, कंट्रोल पैनल में जाके करके देखना, अनइंस्टॉल जब कभी भी आपको कोई भी प्रोग्राम करना है तो उसके लिए विंडो में कौन से ऑप्शन को आप जाते हो, तो हम प्रोग्राम एंड फीचर ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर जाते ही इसके नीचे लिखा भी होता है अनइंस्टॉल द प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होता है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, इसको क्लिक करोगे तो जितनी भी आपने इंस्टॉलेशन फाइल खोल रखी है, जैसे कि मान लो आपने वर्ड डाल रखा है, पावर पॉइंट है, या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाला हुआ है, तो वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम एंड फीचर में दिखेंगे, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बुलियन अलजेब्रा हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा ऐसा वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है जो कि बुलियन अलजेब्रा में फुलफिल नहीं होता। तो
वन बाय वन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस एक्स वाई। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। कॉमन आते ही यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस वाई। अब y की वैल्यू आप बुलियन की मतलब है या तो जीरो रखोगे या y की वैल्यू वन रखोगे। अगर आप जीरो रखते हो तो वन प्लस वन हमेशा बुलियन के अंदर वन प्लस वन क्या वैल्यू देगा, वन। और वन प्लस जीरो भी आपकी वैल्यू क्या होगी, वन, क्योंकि प्लस का मतलब होता है और गेट। और गेट का मतलब है कि कोई भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पर कोई भी एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट विल कम ट्रू, ठीक है जी। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, वन प्लस वाई किसके इक्विवेलेंट होता है, वन के। तो एक्स इंटू में वन मल्टीप्लाई जब कभी भी आप करोगे, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। अब जीरो अगर होगी तो जीरो इंटू वन किसके इक्विवेलेंट होगा, जीरो इंटू वन किसके इक्विवेलेंट होगा, जीरो के। और वन इंटू वन किसके इक्विवेलेंट होगा, वन के। तो मैं ये कह सकता हूँ x की वैल्यू जो भी है वही वैल्यू आपकी आउटपुट में आ रही है। समझ में आ रही है बात। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इंटू वन एक्स आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो x प्लस एक्स वाई किसके इक्विवेलेंट आ गया, x के। तो ये कंडीशन तो हमारी बुलियन अलजेब्रा में ट्रू है, इसने पूछा हुआ है नॉट ट्रू, मतलब नॉट वैलिड, क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट y एक्स वाई। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो x प्लस x बार प्लस x इंटू में y। और ये चीज़ किसके इक्विवेलेंट होती है, ये भी आप देख लो। x की वैल्यू आप या तो वन रखोगे, वन अगर आप रख रहे हो तो x कॉम्प्लीमेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, x कॉम्प्लीमेंट होगा आपका जीरो के प्लस वन। तो ये वन आएगा। अगर x की वैल्यू आप वन की जगह जीरो रखते हो तो क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो, तो भी वन आएगा, क्योंकि और गेट है। और गेट का मतलब है कोई भी कंडीशन ट्रू रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ये हमेशा वन दे रहा है। वन इंटू वाई किसके इक्विवेलेंट होगा, अभी हमने देखा वन के मल्टीप्लाई में जो भी है वही वैल्यू आएगी। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, वाई के। तो सेकेंड कंडीशन भी आपकी ट्रू कंडीशन है, मतलब ये भी वैलिड है, क्लियर। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन आपकी डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं हम। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, x इंटू वाई अगर आपका दिया हुआ है तो ये कॉम्प्लीमेंट, अगर पूरे का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है मतलब पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, जो अनकॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट वाला अनकॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब देखिए x इंटू वाई है तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये जो डॉट है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, मतलब एंड गेट और गेट में चेंज हो जाएगा और गेट एंड गेट में चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से कहने का मतलब है ये अनकॉम्प्लीमेंट है, एक्स के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस, डॉट का मतलब प्लस, और वाई जो है बिना कॉम्प्लीमेंट के है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से दूसरा होता है एक्स प्लस वाई का अगर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, एक्स प्लस वाई का अगर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो भी यही रूल होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट, अब प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, y अनकॉम्प्लीमेंट था तो y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट इज द डी मॉर्गन लॉ। ये डी मॉर्गन लॉ होते हैं हमारे बुलियन अलजेब्रा के अंदर, ठीक है जी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x बार प्लस है तो डॉट हो जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस है तो डॉट हो गया, z कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है जी। और ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ एक्स के इक्विवेलेंट नहीं होती। ये जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है एक्स नोर, और एक्स नोर को मिनिमाइज नहीं कर सकते हम, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, तो ये इनवैलिड है, क्लियर। तो राइट आंसर है इसका थर्ड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ये तीनों की तीनों अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा ट्रू कंडीशन है, मगर इसने पूछा हुआ है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सी है हमारी, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।